तेवीआन त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम में दोस्तों आप हर के खिदमत में असल वरह वरक नमस्कार राम राम खुद वा आज की ताज़ा खबरें यानी कि सरनामी न्यूज़ फिर एक बार आपके लिए दखबुल सूरी नाम से हम आपके लिए निकालेंगे खुशियाँ हैं आपके ज़िंदगी के लिए तो मुबारकबाद बधाइयाँ दी जाती हैं गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक है शोक संवेदना हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और आज की ये प्रोग्राम के जरिए तमाम रोज़ेदार को भी हम लोग याद करते हैं और खुदा से दुआ है कि ताकत और दे, आसानी दे तमाम रोज़े अदा करने के लिए मंगर है जून के इक्स तारीख़ और पॉल्सोम जो ये बात बता रहा है यानि कि यह सवाल कर रहा है विल द प्रेसिडेंट द नो तो आफ़ कौन यानी कि जिस तरह से बातचीत हो रहा है तो ये आदमी यह ये सवाल करता है कि प्रेसिडेंट कोशिश कर रहा है नो तो आफ़ कौंद करने के लिए न तो इसलिए कि कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिटनल क्रिसिस है और कहता है कि प्रेसिडेंट की कहने के मुताबिक कि हमारा देश बहुत मुसीबत में है यानी कि बहुत सी मुसीबत में खफ़ार में जैसे लोग बोलते हैं हमारा देश इस वक्त में है और पोलसों में हार जो पहचाया लहुर का जो फोर तर है कहता है देश बहुत साबन यानी कि जो ये आदमी ये बात बोल रहा है कि इनकी झूठी हुई हाफा जो ये उठा रहा है बातें जो बोल रहा है तो कब से इनको मालूम हो चुका है क्योंकि पहले भी ये काम ये कर चुका है और कहता है कि कोई मुस, ऐसा मुसीबत नहीं कि हमारे देश यानी कि खफ़ार में हैं और सोमहार जो कहता है कि अभी तक ख़ुद उनको अभी तक याद है ताज़ा है इनके जहन में वो वक्त निकितिन तक तक का जिस तरह से आफं क्लॉक था और ये नहीं चाहता है कि फिर वो आए यानी कि तुस्तान तो हमारे देश में आफ क्लॉक आए जिसमें लोगों को इस तरह से बंदिश बना दिया जाए यानी कि एक तरह के बंदिश बंद किया जाए खुद अपने घरों में बंद रहे आफांद क्लॉक जहाँ पर लोग जिस तरह से चाहे बाहर नहीं निकल सकते हैं और कहता है कि ये अभी तक इनकी जहन में ताज़ा है और ये नहीं चाहते कि ऐसा हो और बताई जाती है कि कोई क्रिसिस नहीं है क्योंकि कहता है हमारे देश की जो विद्वान लोग होता है रेक्स दे कन फॉन द फन आत्न ये सभी बोलता है कि कोई ऐसा वजह नहीं एरस न फन फनकॉन्स्टिट्यूशनल क्रिसस दफ है ऑफ स्कॉन दे प्रोसेस दिसंबर प्रोसेस देश सिलसिला जो चल रहा है बातचीत जो होता है इसको रद्द बदल करने के लिए यही ये, ये खास सबब है और कहता है कि कल आखिरी वक्त में इनको पुकार किया गया प्रेसिडेंट की तरफ से बातचीत करने के लिए तो ये कहता है इनको और दूसरा आसपराग था नहीं गया अपने औरों लोगों को बताया यानी कि रॉबर्ट सुनतीक से करता जो है अंदर क्षेत्रो भी जो यो से तरफ रात का ये लोग जो गए हैं तो ये लोग गया उनके पास प्रेसिडेंट के पास और कहा जिस तरह से प्रेसिडेंट उनको बातचीत किए तो सिर्फ़ एक सूचना था डेलिंग जिसे लोग बोलते हैं कि जिस तरह से प्रेसिडेंट इन लोगों के सामने रखा है और कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये कोशिश कर रहा है यानी कि वैत बदलने के लिए और जो रेक्स खरीदर जो है इन लोगों को जो काम इनकी काम बंद करने के लिए और बौफा मेलफिन बोफा ये कहता है ए तो रुपन नित नित आंद और यानी कि जिस तरह से लोग बोल रहे हैं इसका कोई वजह नहीं है और ऐसा नहीं है कि लोग ये फ़ैसला लिया या कोई भी या प्रेसिडेंट फैसला लिया कि ऐसा होगा और ये बता रहा है कि इस वक्त में ये बात जो चर्चा हो रहा है नोस्तान का ये हकीकत नहीं है और ये मेलफन बोफा एन डी पी का फीस फोरसित नेशनल असाम का है दाकबुल सूरी से ये बात बता रहा है प्रीसीडेंट देश बहत तो सो फोर्सेंस फोर खोन दो खसप्रैक मैं दिफ्यार्स पोलिटिकल लेदर्स यानी कि इन पोलिटिकल लेदर्स से बातचीत करता है उसके अलावा हॉफ जो है व नीमत हॉफ प्रिस जो है ईवान रसूल बख्से आसमो जैनफर खेरलिंग सीम से भी बातचीत किया और इसलिए यह बात बोल रहा है कि ये ख़त जो मिला इनको मिनिस्टर जो है युस्ती पुलिस का फंद एक सिलोस जैनफर फंदलॉस जो खत यानी कि प्रेसिडेंट के पास भेजाया है और यह कहा है कि इनको बहुत यानी कि सोच फिकिर है कि जिस तरह से आ, हमारे देश के हालात आ गया है तो मुमकिन है कि लोग कोशिश करेगा गड़बड़ी करने के लिए और इसी सिलसिले में यह ख़त भेजा है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्राक्स तक जो है इस वक्त में और इसी सिलसिले में प्रेसिडेंट लोगों से बातचीत कर रहा है और शायद कोशिश करेगा ख़र तुवैत दस्दानख्त वेसन दैक्तर विंग का रूपन यानी कि रेख को इस तरह से कोशिश करेगा ख़ुर तुैद को रद्द बदल करने के लिए यानी कि बदलने के लिए कि रेख को पूछताछ ये कर सकें और जिस तरह से चाहे उनको हुक्म दे सके ओपमेन आखेंदा इस्ताद बहंदलिंग तैयत हेर स्टाइल प्लान तो दस्तिन तो दख्तीन और बोलता है कि हम उनका आकंदा पर और ये मेलफोन बाउफा बौफ, बता रहा है कि वो लोग बातचीत करेंगे हेस्टल प्लान के सिलसिले में अब देखो आगे चल कर क्या होता है देाना पुकार किए हैं यूएफ़ पार्लियामेंट का इन लोगों को बातचीत करने के लिए और ये है आज फंदाख देंसदाखीन इन लोगों को पुकार किए हैं यानी कि नेशनल नालो यूएफ़ पार्लियामेंट को जितना है इन लोगों को पुकार किए हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए और ये लोग कहते हैं कि खुशी है इन लोगों का भी कि नेशनल नाला सामले इन लोगों को बातचीत करते हैं और जो हालात इसके सिलसिले में भी मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को हमेशा इतला करते हैं आगा करते हैं रोक ऑन तो इन लेंगे सोसाफो खबा फॉन्न भी कॉसलोइिंग यानी कॉर्सलोइिंग हुई सोसाफो का मकान जो है ख़बा जो है वातर कंध में और ये है मानदह कल सुबह में करीबन आठ बजे तीन मिनट बाकी रह गया आठ बजने में तो वहाँ पर वहाँ पर धुआं निकला खबाव से तो लोग ये समझा शायद हो सकता है कि आग लग गया होगा लेकिन ब्रांतवेयर को इतला किया गया ब्रांतवेयर आया कुछ नहीं करना पड़ा ब्रांतवेयर को क्योंकि ए बी एस के लोगों यहाँ पर आकर और ये लोग आ, देखें कि समस्या क्या है यानी कि उन्द्र सुख किएँ तलाश किए कि क्या सबब क्या हो सकता तो देखा कि एक माइक्रोवेव वो जल रहा था और ये लोग बता दिए और ये कोई नौबत नहीं हुआ ब्रांतवेयर को आग बुझाने के लिए लेकिन एक मकान जल गया है और यह है अब्बासीरात यह है एक फ्रीडम फरीद का करीबन सोमवार को साढ़े बारह बजे लोगों को खबर मिला यानी भ्रांतवेर की लोगों को और ये लोग गए वहाँ पर करीबन पंद्रह मिनट में ये लोग वहाँ पर पहुँचे और जब पहुँचे तो देखे वहाँ पर मकान में भीतर में आग बहुत तेज़ हो चुका था तो बुताने की ये लोग कोशिश किया लेकिन बहुत तेज़ी से आग उसमें हो चुका था और ये मकान बिल्कुल जल गया है इसमें पांच लोग रहते थे एक औरत उनके चार लड़के इसमें और उन लोगों को आ, वो लोग आ, इसमें कोई नहीं जला या कोई ऐसा मुसीबत नहीं हुआ लेकिन तमाम सामान जो इस घर का था और तमाम चीज़ें ये लोग नहीं निकाल पाए और कहता है तनते ही मैथ हार फिर क्लैन केंद्रन इन दोनिंग दो एक औरत अपने क्लैन केंद्र के साथ यानी कि नाती पोता हो सकता है इ के साथ तो वो निकल गया और ये आग बहुत तेज़ी से लगा एक जो इसमें मकान में रहता था एक व्यक्ति अब न जाने लड़का है या लड़की या औरत या मर्द वो बोले कि अचानक एक ऐसा धमाका हुई और धमाके के बाद आग देखा मकान में और इतनी तेज़ी से आग बढ़ गया कि वो लोग कुछ नहीं बचा पाए अब सुख हो रहा है देखो इस समस्या में क्या पता चलेगा एक आदमी का करीबन 20 गाय मर गया है ज़्यादा पानी के सबब से बारिश होता है इतना पानी भर गया है कि जहाँ पर ये गाय गोरू वगैरह है तो वहाँ पर इतना पानी है कि ये गाय लोगों को करीबन इन लोगों का पाँव जो है यानी कि इनको गोर जो है वो गोर बिल्कुल डूब जाता है पानी के नीचे हो जाता है और ये सबब है कि इन लोगों को क्रम्पू होता है और होने के सबब से करीबन 20 गाय यहाँ पर मर गया है और इस आदमी को वहाँ पर करीबन 6 से लेकर 700 गाय है और एक गाय का दाम करीबन सब कम से कम एक हज़ार रुपया है अब देखो पता नहीं कि सरकार ऐसी हालात में लोग को जो नुकसानी हुई ये भरेगा या नहीं भरेगा और यहाँ पर कौमिसारस जो है इलाका सारा मका का लक्ष्मी नारायण दुबे भी गया देखने के लिए और ये देखा और हकीकत बात है वो भी बता रहा है कि बहुत अफसोस है कि लोग कोशिश करते हैं और हालात इस तरह से है और वहाँ पर जहाँ गाय गोरू स्वम्पू की जगह है ज़्यादा पानी हो जाता है तो निकास अब बहुत मुश्किल है कि पानी नहीं निकलता है गाय गोरू के लिए बहुत मुसीबत है और कोई ऐसा ऊंचा जगह नहीं जहां पर इतनी गाय एक ही दम लोग लाकर उन लोगों को हिफाजत कर सकते हैं तो बहुत अफसोस की बात है अब देखो इन लोगों के साथ क्या होगा और इतना ज़्यादा पानी होने के की सबब से कितना नुकसानी की तरफ मैंने खुद गया तो देखा वहाँ पर कितना पानी जहाँ पर लोग सौदा यानी कि तरकारी वगैरह लगाते थे अब मुमकिन नहीं है पानी गोतरो और उनका जो परासी आंगन बराबर हो गया पानी से इतना ज़्यादा पानी हो गया है बहुत अफसोस की बात है दोस्तों और ये सबब है कि लोगों को बहुत नुकसानी होता अब देखो कौन ये ख़र्चा बर्दाश्त करेगा आप कोई कुछ नहीं बोलता है अगर बेनलांत होता तो लोग दौड़ते हैं न कोशिश करते हैं लोगों को वहाँ पर यानी कि मदद देने के लिए लेकिन आज इतना नुकसानी होता है हम लोगों के खेतीयर के लिए और जो लोग गाय गोरी तो कोई उसमें कुछ नहीं कहते हैं और पता नहीं कि सरकार कुछ करेगा या नहीं करेगा पोकनौकरों उन खोमन एल खाल खौत सर्जियो पाफियोन यानी कि जो लोग एल खाल बग़ैर फ़र्कोनी इजाजत से जो लोग सोना वगैरह खोजते हैं तो एक आदमी मर गया है और यह मल्टी नेशनल आई एम गोल के पेटी में इन अदो पुत यानी कि एक पुराना पेटी जहाँ पर यह मल्टीनेशनल आई एम गोल्ड सोना निकाल चुके थे तो वहाँ पर गया था खोजने के लिए और आदमी उसमें घुस गया और उसमें गिर के ये आदमी मर गया है ऑन लिखाम पुलिस ना आउ आफिस्तान यानी कि करने के बाद इनका जो लाश है तो परिवार को दे दिया गया है जैलफ रिलयंस हम्स बाई प्रेमी जिक दस्टम फॉर जिक्रिंग यानी कि जैलफ रिलयंस भी अब कहता है कि कोर्स ये भी इस्तेमाल करते हैं प्रेमी बदरख कॉसरिंग देथ हेल्प मैथ नाम फॉर द पार्टिकुलियर जिक्रिंग जैलफरे के पार्टिकुलर वग़ैरह जो अपना फ़ुरजिकर करवाते दाकुर के मुताबिक ये लोग भी पैसा उन लोगों से भरवाते हैं पे जैत एस कॉम एंड होकर वेलकम एंड यू एस कि अब यू एस के सब से यानी कि हिसाब से लोगों को पैसा भरना है क्लंतन बंद देमी एंड लेकिन ये लोग यू एस डॉलर के मुताबिक ये पैसा बरीकन करते हैं और एस आर दे में आप भर सकते हैं तो देखो भैया कितना मुसीबत है मैं दितीफन बताओ फॉर अल्स्तान दूधर एस आर देस फॉर दईद एस देखो न एक अलींस्तान द मूदर तु मंदर या रख केंद्रन और तीन अब तो पाँच सौ करीबन इन लोगों को एक महीना में लगेगा पे जैत एस बास क्लानतन जैन ऑन द रही दर्स यानी कि पे जैत एस बास अस्लानतन वो ऑन द रही फ कोर्स उनको नहीं भरना पड़ेगा ऑमद प्रेमी एस एर देश क्योंकि वो लोगों का प्रेमी एस एर दे में है तो वो लोगों के लिए नहीं है आगे चलकर आपको बताई जाती है फ्लिश प्रोडक्टन तमाम फ्लिस प्रोडक्टन पर भी दाम चढ़ गया है ये तो कोई कहने की बात नहीं जनता खुद ब खुद जानता है कि क्या नहीं, नहीं हमारे देश में कौन सा ऐसा चीज़ नहीं है जिसका दाम नहीं चढ़ रहा है तो फ्लेश परिवर्तन के दाम हकीकत में चढ़ेगा ये तो एक किलो कितना हो गया एंको प्राइस बीस से लेकर द्रियंत तक फैफ तक और यह रुन्त फ्लेश का एक किलो स्कै बिन ऐसा दी देर तक भैया क्या होगा सभी तो दाम चढ़ रहा है और चढ़ते चले जा रहा है आगे चलकर आपको बताई जाती है लेन बेस और दिन इंदिरा गांधी वैक एक बस यानी कि धक्का मारा है और इंदिरा गांधी वैफ में न्यू ईयर खानदो के की में और बस कोशिश कर रहा था एक परसों और तो एक छोटा मोटर गाड़ी को लिंक्स इन हाल करने के लिए ऐसे करते ये लोग यहाँ तक ये नौबत होता है कि इन लोगों को कोई नहीं देखते है ऐसा लगता है कि इन लोगों को मोनोपोली भैया अगर ये लोग रेक्स इनहाल नहीं कर पाते हैं तो फिट्सअप पाथ पर चले जाते हैं फुट पाथ पर चले जाते हैं और इतना तेज़ी से कि कोई मरे या जिए कोई परवाह नहीं भैया सिपाही हम गुजारिश करते हैं निवेदन करते हैं कि आप लोगों ये लोग लेन वाले जो है सभी नहीं मैं नहीं कहता हूँ उनमें से बहुत अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से ये लेन बेस वाले अपना गाड़ी चलाते हैं भैया करेजा थाम लेते हैं लोग और इनसे कोई परवाह नहीं कि कोई मरे या जिए और दोस्तों ये कुछ बातें था आज के लिए जो मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए अहम जो आपके लिए भी है तो ले लेना और जो अहम नहीं है तो आप प्रलबाक में डाल देना आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं हाफिज़ नमस्कार असलकुम खुद अमिदा